सब लोग हमारे बात समझ लिया है। मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में है अल अल्म, और मैं हर मुस्लिम और हर मर्द और औरत और अलग अलमान है, एक अल्म अद्यान और एक अल्म अब्दान, दीन का अलम और बदन का अलम, हकमत और इलाज। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया महत यानी चौथा जूला सीखो और लहद यानी कफन के पहन अलम बचपन से छोटा है, जब आप गोद में हैं और झूला में हैं कफन के पहन और पढ़ो और कोशिश करो। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का मज़मून आप अलम के पीछे जाओ और शुद्ध हाल करो अगर चीन में हो। अरबी ममालिक और चीन में बहुत दूर है और जो खसूस आप लोग में दुआ करता है आप लोग उलूम इस्लामिया और उलूम हदीस आप लोग सीख जाता है तो आप लोग इस्लाम को खदमत करता है और इस्लाम आप लोग को मोहताज है और खसूस पाकिस्तान मोहताज है। इसलिए यहाँ अंग्रेज का बकाया बहुत है जो लोग मुसलमान को टुकड़ टुकड़ बनवाया है और मुसलमान के दरमियान बेफाकी डाल दिया है और मुसलमान के दरमियान में इख्तलाफात डाल दिया है। तो का फायदा कीजिए। अरे अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क एक है और ये मुल्क आबत को और पढ़ो और तालीम दीनी तालीम और दुनियावी तालीम और इस्लाम के लिए आप लोग तैयार हो जाओ और इस्लाम का खदमत करो और मुल्क का खदमत करो। इसलिए तमाम दुनिया इस्लाम का दुश्मन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक मिल्लत अगर हिंदू अगर यहूदी वगैरह सब लोग इस्लाम का दुश्मन और इन लोग के ऊपर उम्मीद मत करो और कोशिश करो और हिम्मत करो और मेहनत करो और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो। खुदा आप लोग को बुलंद करो, खुदा आप लोग को तौफीक दे उनका तालीम और लोग जो मुसलमान की नहीं है और आप लोग का खसा हमीदा को देखेगा और कुछ अखलाक़ी भी देखेगा और आप लोग का ईमानदारी देखेगा और इस्लाम का जज्बात देखेगा वो भी इस्लाम को कबूल करता। अभी यहाँ नाम मुसलमान है और काम है गैर मुस्लिम का काम है चलता है जो हम लोग गुमराही में भी उन लोग के लिए मैं दुआ करता खुदावन ताला इन लोग को हिदायत दे मुस्तकीम पर खुदावन ताला भी इन लोग को तौफीक अता फरमा और इंशाअल्लाह खुदावन ताला बुलंद करे तालीम के अंदर और खुसूस और इस्तेकामा इस्लाम के ऊपर इंशाअल्लाह खुदा ये मुल्क कायम दायम रखे और खुदा मुल्क के दरमियान में वो इत्तिफाक और मोहब्बत है। जब इस्लाम है तमाम आप लोग भाई हैं, जब इस्लाम नहीं है तो कौमियत पैदा होता है और कौमियत के बाद सूबाइयत पैदा होता है और सुबाइयत के बाद नफरत पैदा होता है और जुदाइयत पैदा होता है। हम लोग सब मुसलमान भाई हैं, अरब अजम पंजाब महाजन पठान सिंधी अफ्रीकी भाई और उन लोग का रिश्तेदारी है इस्लाम में, कहाँ बंगाली है और कहाँ बलोच बंगाली बंगाल में और बलोच लोग का इतफाक इस्लाम करना है। जब इस्लाम नहीं रहा बलोच बंगाल जुदा हो और ये बहुत अफसोस बात है और खुदा ये आइंदा ऐसा नहीं करे
خدای ملک وحدت قائمه آمین. و ابلوک فخر ہونا چاہیے ابلوک مختلف زبان ہے اور مختلف قومیت اور ایک جنگ ہے، یہ ابلوک بہت فخر ہے اور یہ کیا ہے کس چیز کا فخر ہے؟ یہ اسلام کا فخر ہے. آپ سمجھو ہم لوگ آیا ایک زبان، ایک قوم، ایک دین، ایک خون، لیکن ہم لوگ کے پاس 20 جنڈا مختلف، یہ اس سے زیادہ ہو سکتی کیا؟ خدا سب لوگ کو اتفاق دے گا اور خدا اسلام کا جنڈا بلند کرے، خدا اسلام کو بلند کرے. اور جو اسلام کے دشمنان خدا و تعالی ان لوگ کو شکست دے. آمین. و آخر دعوانا ان شاء الله خدا الله في عونهم، الله في عونهم لين اجر العام، خدا تعالى لكم مدد يا علم وعمل، خدا لكم اباد ان شاء الله. ان شاء الله هي استقامه كذا تقول لك ايمان خدا تعالى بلندك، جس کا دل میں ایمان ہوتا ہے خدا اس کو بلند کر دے، جس کا دل میں ایمان نہیں ہے جس کا دیتا ہے وہ سب سوا ہو جاتا ہے.